अर्थ की स्टोरी स्टार्ट होती है हैडियन इयोन से, जब पृथ्वी का जन्म हुआ था। हैडियन इयोन का टाइम पीरियड है 4.6 से 4 बिलियन ईयर्स एगो। हैडियन फर्स्ट जियोलॉजिक इयोन है अर्थ का। हैडियन के बाद आर्शियन इयोन आता है। हैडियन इयोन स्टार्ट होता है जब पृथ्वी का जन्म हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो और एंड होता है 4 बिलियन ईयर्स एगो, जैसा कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्टेटिग्राफी ने डिफाइन किया था। हैडियन का मीनिंग होता है अंडरवर्ल्ड और हेलिश कंडीशन। जब धरती बनी यहाँ पर हालात नरक जैसे थे। आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी को पहचानना मुश्किल था। हर तरफ ज्वालामुखी अपना कहर बरसाते थे। ज्वालामुखी से लावा निकल रहा था। तापमान बहुत ज्यादा गर्म था। ना खत्म होने वाली धूल चट्टानों और एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी। तापमान बहुत ज्यादा गर्म होने के चलते जीवाश्म अभिलेख यानी कि फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में जियोलॉजिस्ट ने कुछ हैडियन रॉक्स आइडेंटिफाई की है। ग्रीनलैंड, नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ओल्डेस्ट रॉक जैक हिल्स ऑस्ट्रेलिया में मिली है। यूनिवर्स का जन्म हुआ था 14 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग के साथ। बिग बैंग ने यूनिवर्स के सारे मैटर्स को क्रिएट किया था, इंक्लूडिंग सन, प्लैनेट्स एंड अवर सोलर सिस्टम। गैस और धूल को ग्रेविटी ने एकजुट किया। ये इंटरस्टेलर गैस और धूल बादल की शक्ल में थी। बादल का ज्यादातर अंश बीच में जमा हो गया, जिससे तारे की बनावट हुई, जिसने बाद में सूरज की शक्ल ली। इस नवजात सूरज ने बादल में मौजूद 99.9% गैस और धूल को अपने भीतर समेट लिया, और जो गैस और धूल बची उसने सपाट होकर एक डिस्क का रूप लिया। धूल और चट्टानों की घूमने वाली इस बनावट को प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। हो सकता है शुरुआत में घूमने की प्रक्रिया धीमी रही हो, पर जैसे जैसे इस डिस्क का घनापन बढ़ता गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसकी रफ्तार भी बढ़ती गई। लगातार चक्कर लगाने की वजह से ये डिस्क समतल होने लगी और आखिरी में सभी ग्रह एक सतह पर चक्कर लगाने लगे। उसमें से एक ग्रह विशेष क्षेत्र में जन्म लेता है। वो ग्रह है हमारी धरती। धरती सूरज से सही फासले पे थी, जिससे पानी अपने तरल रूप में रह सका। इस तरल पानी की वजह से ही यहाँ जीवन संभव हो पाया। इस क्षेत्र में होने के कारण धरती न ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडी। हमारी धरती गोल्डी लॉक जोन में है। पृथ्वी में सबसे भारी तत्व जैसे आयरन और जिंक पृथ्वी के सेंटर में जाने लगे और हल्के तत्व सेंटर से दूर जाने लगे, जो आगे चलकर क्रस्ट बनाएंगे। अर्थ जिस मटेरियल से बनी होगी उसमें काफी मात्रा में पानी होगा। अर्थ जब बनी होगी उस टाइम के एटमॉस्फेयर में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस होगी। गैस जायंट्स की तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैस धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से लॉस्ट हो गई। लॉस्ट होने के तीन कारण हैं। पहला, अर्थ की लोअर ग्रेविटी देन गैस जायंट्स। ग्रेविटी हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। दूसरा, सोलर विंड्स अपने साथ एटमॉस्फेयर को बहा कर ले गई। तीसरा, स्मॉल सॉलिड सेलेस्टियल बॉडीज के इम्पैक्ट से भी कुछ गैस स्पेस में चली गई। अर्थ के सेंटर में हाई टेम्परेचर और वॉल्केनिक एक्टिविटी के चलते क्रस्ट से हैलोजन गैसेस, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और अदर गैसेस बाहर आने लगी। अगले 100 मिलियन ईयर्स में ये गैसेस इकट्ठा होकर अर्ली एटमॉस्फेयर बनाया। एटमॉस्फेयर क्वाइट सिमिलर है टाइटन के एटमॉस्फेयर से, जो कि सबसे बड़ा मून है सैटर्न का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड 250 एटमॉस्फेयर्स था। इस तरह का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली टॉक्सिक है लाइफ के लिए। एयर हॉट
थिक स्टीमी फुल ऑफ डस्ट और अदर पार्टिकल्स है, एयर को ब्रीथ नहीं कर सकते क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के साथ ओनली ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन है। टाइम है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, अंतरिक्ष का एक हमलावर धरती को तबाह करने की फिराक में था। धरती को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था तब एक विशालकाय गोलाकार चीज पृथ्वी से जा टकराई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वो चीज प्लैनेट थिया थी जो मार्स की इतनी बड़ी थी। प्लैनेट थिया की स्पीड नियरली 10 माइल्स पर सेकेंड थी। अगर इस स्पीड को कंपेयर करें तो बुलेट की स्पीड से 20 टाइम्स फास्टर है। अर्थ को डायरेक्टली हिट नहीं किया बल्कि साइड से हिट किया, पर वास्तव में ये तबाही ना होकर एक भाग्यशाली घटना बनी। तापमान 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच गया था। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर था। लावा का ना खत्म होने वाला समुद्र बन गया था। दोनों प्लैनेट लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। हल्के पदार्थों के बने सतह के टुकड़ों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इन टुकड़ों ने धीरे धीरे धरती के चारों ओर फैलकर एक विशाल छल्ले का रूप लिया। हल्के पदार्थों के बने इस छल्ले से आखिरकार चंद्रमा की बनावट हुई। चंद्रमा जितना पुराना है उतनी ही पुरानी हमारी धरती है, केवल 30 मिलियन ईयर्स बड़ी है मून से। अगर वो टकराव ना हुआ होता तो आज हम भी ना होते। इस अनोखे ढंग से जन्म लेने के कारण पृथ्वी का चंद्रमा ग्रह के आकार की तुलना में काफी बड़ा है। चंद्रमा की ग्रेविटी इतनी तेज है कि वो धरती को उसकी ऑर्बिट से डगमगाने नहीं देगी। घूमते वक्त धरती का अपनी एक्सिस यानी धुरी पर झुकाव होता है, और घूमते वक्त धरती काफी डगमगा सकती थी, पर चंद्रमा की वजह से ऐसा नहीं होता क्योंकि वो स्थिरता प्रदान करता है। पृथ्वी के झुकाव के कारण ही धरती पर अलग अलग मौसम है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा बड़े आकार का है, इससे उसके झुकाव में स्थिरता बनी रहती है। देखा जाए तो मार्स का झुकाव भी करीब करीब पृथ्वी के समान ही है, पर बड़े आकार का चंद्रमा ना होने के कारण उसका झुकाव डगमगाता है और पिछले कई सालों से बदलता रहा है। अगर हमारे पास ऐसा चंद्रमा ना होता तो मौसम में ना नियमितता होती और ना स्थिरता और ना जीवन हो पाता, क्योंकि जीवन को स्थिरता पसंद है। अर्थ और मून टाइडली लॉक्ड हो गए। मून उस टाइम पे अर्थ से काफी बड़ा दिखता होगा क्योंकि मून अर्थ से ओनली 22,500 किलोमीटर दूर था, पर आज 4,2,336 किलोमीटर दूर है। एक दिन 6 घंटे के बराबर था, पर बिलियन ईयर्स से टाइडल इंटरैक्शन ने एंगुलर मोमेंटम को मून पे ट्रांसफर कर दिया, जिसके कारण मून दूर जाता गया और अर्थ की रोटेशन स्पीड कम होती गई। बॉडी स्पेस में अनदर बॉडी के इस तरह चक्कर लगाए कि बॉडी के ईयर और दिन बराबर हो, या इस तरह बोल सकते हैं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन स्पीड बराबर हो, तब बोलते हैं कि बॉडी टाइडली लॉक्ड है हो गई है। अर्थ से मून का एक ही साइड दिखता है, मून का अनदर साइड नहीं दिखता है। अनदर साइड को डार्क साइड ऑफ द मून भी बोलते हैं। ये इसलिए है क्योंकि अर्थ और मून टाइडली लॉक्ड है। मून अर्थ के चक्कर 28 दिनों में लगाता है और मून अपनी एक्सिस में घूमने में भी 28 दिन लगता है। प्लैनेट मरकुरी भी टाइडली लॉक्ड है सन से, इसलिए सेम साइड सन को फेस करता है और वो हॉट है
और अनदर साइड जो सन को फेस नहीं करता है वो कोल्ड है। सोलर सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ मून्स टाइडली लॉक्ड है उनके होस्ट प्लैनेट से। जब मून का फॉर्मेशन हुआ था मून अर्थ से ओनली 22,500 किलोमीटर दूर था, पर आज 4,02,336 किलोमीटर दूर है। मून अर्थ से 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से दूर जाता जा रहा है। ये सेम स्पीड है जिस स्पीड से फिंगर नेल्स ग्रो करते हैं। अर्थ को अपनी एक्सिस पे घूमने में 24 दिन लगता है और वही मून को अपनी एक्सिस पे घूमने में 27.3 दिन लगता है। अर्थ मून से काफी फास्ट रोटेट करती है, कहां 24 घंटे और कहां 27.3 दिन। मून की ग्रेविटी के चलते अर्थ पे ओशन स्लाइटली ऊपर की तरफ राइज होता है, इसको टाइडल बल्ज बोलते हैं। आइडियल केस में जब अर्थ पे फ्रिक्शन नहीं होगा टाइडल बल्ज डायरेक्टली पॉइंट करता है मून को, पर रियल अर्थ पे फ्रिक्शन के चलते टाइडल बल्ज स्लाइटली आगे रहता है मून से। स्पीड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस के चलते अर्थ पे टाइडल बल्ज मून को ऑर्बिट में आगे की तरफ खींचने को ट्राई करता है और स्लाइटली स्पीड अप करता है मून को, क्योंकि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मून भी अर्थ पे टाइडल बल्ज को पीछे की तरफ खींचने को ट्राई करता है और अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी को कम करता है। अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी कम होने के चलते एंगुलर मोमेंटम लॉस होता है, फिर ये लॉस्ट एंगुलर मोमेंटम टाइडल फोर्स से ट्रांसफर होता है मून की ऑर्बिट पे, जिसके चलते मून की ऑर्बिट स्लाइटली बिगर होती रहती है हर साल। ये फिनोमिना सिमिलर है चिल्ड्रन के राउंड अबाउट से। जितना फास्टर राउंड अबाउट स्पिन करता है उतना ही ज्यादा फील होता है कि बाहर की तरफ जा रहा है। एक दिन आएगा आज से 50 बिलियन ईयर्स के बाद मून की ऑर्बिट मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाएगी। उस दिन एक लूनर ऑर्बिट 47 डेज लेगा। अर्थ की रोटेशनल स्पीड भी 47 डेज होगी, यानी अर्थ का एक साइड फेस करेगा मून को हर टाइम, जैसा कि आज मून का एक साइड फेस करता है अर्थ को हर टाइम। अर्थ और मून पे टाइडल इफेक्ट भी नहीं होगा और फिर मून रुक जाएगा दूर जाने से। जब मून बना था एक दिन 5 घंटे के बराबर था, पर 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद आज एक दिन 24 घंटे के बराबर है, क्योंकि अर्थ की रोटेशनल स्पीड कम हो रही है और फ्यूचर में भी कम होती रहेगी। रोटेशनल स्पीड कम होने की स्पीड को इस तरह समझ सकते हैं कि आज से 100 ईयर्स के बाद एक दिन 2 मिलीसेकंड ज्यादा लंबा होगा। अगर प्लेट को स्पिन करे स्टिक पे, स्पीड अगर फास्टर होगी तो प्लेट स्पिन करेगी, और जब स्पीड कम होती है तो प्लेट डगमगाते हुए घूमने लगती है और फिर नीचे फ्लोर पे गिर जाती है। उसी तरह अर्थ की रोटेशनल स्पीड ज्यादा कम हो जाएगी तो अर्थ भी डगमगाते हुए घूमने लगेगी, इसके चलते अर्थ के सीजन पे डैमेजिंग इफेक्ट पड़ेगा। अर्थ के फॉर्मेशन के 100 मिलियन ईयर्स के बाद मेंटल और क्रस्ट बना। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ओशियनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का अपीयरेंस 4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। पृथ्वी बेजान थी, चारों तरफ खोलती पिघलती चट्टाने थी, पर समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और उसकी सतह ठोस बनी। पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से वातावरण जहरीला था। जीवन को संभव बनाने वाला एक बुनियादी तत्व अभी भी मौजूद नहीं था।
पानी। आखिर धरती को पानी कहाँ से मिलेगा? अर्थ जिस मटेरियल से बनी होगी उसमें काफी मात्रा में पानी होगा। अर्थ जब बनी होगी उस टाइम के एटमॉस्फेयर में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस होगी। गैस जायंट्स की तरह क्रस्ट कूल होने के बाद ही वॉल्केनिक एक्टिविटी ने वाटर वेपर, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन, नियॉन गैस और एडिशनल हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में ऐड किया। टाइम है 4.3 से 4.4 बिलियन ईयर्स एगो। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि कॉमेट के इंपैक्ट से अर्थ पे पानी आया, पर बाद में ये सोचा गया कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो प्रेजेंट था वो कंडेंस होकर क्लाउड और रेन से ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। रेनफॉल से ओशियन का फॉर्मेशन हुआ नियरली 4.43 से 4.4 बिलियन ईयर्स एगो। उन दिनों सरफेस टेम्परेचर ओवर 200 डिग्री सेल्सियस होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी हाई था। अगर इतना हाई टेम्परेचर है तो सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया था, तभी लिक्विड ओशन एग्जिस्ट करता था। नासा फंडेड रिसर्च से ये कंफर्म हुआ है कि लिक्विड वाटर अर्थ पे मोर देन 4 बिलियन ईयर्स एगो था। ऑस्ट्रेलिया में जिरकॉन ग्रेन्स की डिस्कवरी से कंफर्म हुआ है कि एटमॉस्फेयर और ओशन का फॉर्मेशन बिफोर 4.4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। अर्थ ने सॉलिड आयरन कोर सराउंडेड बाय ए लिक्विड आउटर कोर डेवलप किया। सॉलिड इनर कोर का साइज रफली मून के साइज का है और टेम्परेचर सन के सरफेस टेम्परेचर के इतना है। सॉलिड इनर कोर का टेम्परेचर और प्रेशर आउटर कोर से ज्यादा है। सॉलिड इनर कोर में मेनली आयरन है। हाई प्रेशर होने के चलते आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया है, तभी इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है इतने हाई टेम्परेचर होने के बाद भी। टाइम है रफली 4 बिलियन ईयर्स एगो। हैडियन इयोन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डेवलप हो रही थी। अर्थ ने जस्ट सोलर विंड्स को डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया था और अर्थ हैबिटेबल प्लेनेट बनने के पास पर बढ़ रही थी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डायनमो इफेक्ट से होती है। रोटेटिंग इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए रोटेटिंग इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। आउटर कोर में लिक्विड मेटल का मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की अपनी एक्सिस पर रोटेशन के चलते। ये इलेक्ट्रिक करंट 100 ऑफ माइल्स वाइड होते हैं और मूव करते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से। जैसे अर्थ रोटेट होती है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं कोर से क्रस्ट और फिर स्पेस में एंटर होती है। ये डायनमो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। जब अर्थ फास्टर रोटेट करेगी तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा और लार्जर लिक्विड कोर होगा तब भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। टाइम है 4.1 बिलियन ईयर्स एगो। धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ साल के बाद हमारे ग्रह पर मेटियोर की बौछार सी हो गई। ये मेटियोर सोलर सिस्टम के बाहर से आए थे। इस पीरियड को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। करोड़ों साल तक धरती पर कहर लगातार जारी रहा। एस्टेरॉयड और कॉमेट की जबरदस्त बमबारी चलती रही। एस्टेरॉयड और कॉमेट अपने साथ पानी लाते हैं। हर मेटियोर में पानी काफी कम मात्रा में था, पर करोड़ों साल तक मेटियोर की बमबारी चलती रही। करोड़ों सालों में युवा धरती पे काफी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे महासागर और बादलों की बनावट हुई और इस तरह धरती पर मौसम की शुरुआत हुई। विंड्स फास्टर थी आज के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हरिकेन से भी। मून क्लोजर था जिसके कारण हाई टाइड्स और ह्यूज वेव्स का फॉर्मेशन होता था। जैसे जैसे टाइम पास होता गया मून भी दूर जाता गया। वेव्स काम डाउन हुई और प्लैनेट की स्पिन स्लोअर हुई। हैडियन इयोन में अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड, हीट सोर्स और मून मिला। फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है
क्योंकि टेम्परेचर काफी हाई था लाइफ सस्टेन करने के लिए, हीट फ्लो नियरली 3 times था आज के हीट फ्लो से, कैसे हम हैबिटेबिलिटी की तरफ बढ़े। साइंटिस्ट की थ्योरी के हिसाब से लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर या फर्स्ट लाइफ फॉर्म का इमर्जेंस हैडियन इयोन के एंड में हुआ था। हैडियन इयोन के बाद आर्चियन इयोन आता है जिसमें ऑक्सीजन की एंट्री होगी।